strenuous exercise we are doing. बेटा क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 हमें प्रूफ करना है कि ये कॉस इनवर्स 33/65 ओके बेटा तो कल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो है वो किसके इक्वल होता है कॉस इनवर्स जो है एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जिस बच्चे ने ये डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न किया होगा बेटा उसके लिए कितना इजी हो जाएगा ये काम करना सॉल्व ये करना ही पड़ेगा फिर मैंने बताया था अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ओके बेटा तो अब हम अप्लाई करें एक्स मेरा 4/5 है वाई मेरा 12/13 है बेटा ठीक है ना तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ यहाँ पर तो बेटा उसके लिए मेरे पास जो है क्या करेंगे अब वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज कॉस इनवर्स 4/5 into 12/13 minus under root 1 minus x square. Square कितना मतलब 4/5 plus square under root 1 minus y कितना बेटा 12/13 का square. Okay? Clear? तो अब बेटा इसको solving करें. ये सारा जो है सॉल्विंग करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा कॉस इनवर्स यहाँ पर कोई कटिंग हो रही है कोई कटिंग नहीं हो रही तो यहाँ पर सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा 48/65 ठीक है अब आगे करें हमारे पास माइनस अंडर रूट देखिए बेटा 25 और 25 माइनस 16 मेरे पास जो है 25 माइनस 16 दैट इज 9 और यहाँ पर रूट यहाँ पर 169 और 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा मेरे पास 25 अब इसको सॉल्व कर लीजिए कॉस इनवर्स 48 माइनस 65 माइनस मेरे पास जो है यहाँ पर बेटा 3/5 और यहाँ पर बेटा 5/13 अब इसको सॉल्व कर लीजिए कॉस इनवर्स मेरे पास जो है दैट इज 65 ओके और ये 48 माइनस 15 मेरे पास जो है 48 माइनस 15 जब आप करोगे दिस इज 33 तो बेटा यहाँ पर 33 तो यही ओके क्लियर एनी डाउट टू एनी वन बेटा और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ है 2012 में भी और उसके बाद 16 या 17 में भी आए हुए हैं लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ अब सेम है देखना आप ही मुझे बताओगे कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स मेरे पास हो गए 3/5 दैट इज इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65 ओके तो क्या क्या कर सकते हैं क्योंकि आंसर मुझे साइन इनवर्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे बेटा हम इसको भी साइन इनवर्स में चेंज करेंगे अगर यहाँ आंसर में आई नीड कॉस इनवर्स देन आई हैव टू कन्वर्ट इट इन कॉस इनवर्स ये डिपेंड करता है व्हाट आई नीड टू प्रूफ है ना उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे इसको कन्वर्ट करोगे ठीक है बेटा तो फर्स्टली व्हाट आई डू आई लेट इट बी थीटा
और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ मैं कॉस थीटा इज 12 बाय 3 ओके आई मेक ट्रायंगल हियर आई लेट इट थीटा और कॉस होता है बी बाय एच बी इज 12 एंड एच इज 13 ओके देन अप्लाई हियर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144 एंड दैट इज 5 Now each and every side is known to you. So what I have to do here, I have to convert it in terms of sine inverse. So sine theta kya ho jayega mere paas? P by H. P is 5 and H is 13. That means theta is sine inverse 5 by 13. Now in place of cos inverse, what I have to do? I have to put sine inverse here. So, beta, sine inverse 5 by 13 plus sine inverse 3 by 5. मुझे apply कर. कोई बता सकते हैं कि यहाँ पर beta कौन सा formula लगेगा? Anybody from you? मैं unmute कर रही हूँ आप लोगों को. आप ऐसे कोई भी मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा formula लगेगा? हाँ जी जल्दी जल्दी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए एनीबॉडी फ्रॉम यू हाँ जी बेटा फतेह बताइए अनम्यूट कीजिए फतेह yes. जी बताइए बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैम इस पे नहीं पता मैम नहीं पता सुखमनजोत सुखमनजोत नहीं पता मैम कल हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मैंने आपको रिकॉल करवाया था साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर जब मैंने कल कॉस का बताया था तो बेटा साइन इनवर्स का भी बताया था हमने क्वेश्चन भी किया था इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा आप लोगों को ये चीजें कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसी की हेल्प से किया था आप देख लीजिए कॉपी पे आपने नोट डाउन किया होगा तो यहाँ से बेटा फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे ना इनवर्स के तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को तो मेरे पास बेटा यहाँ पर यूज करेंगे तो मेरे पास साइन इनवर्स क्या आएगा 5 बाय 13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 5 बाय 3 बाय 5 का स्क्वायर प्लस वाई वाई कितने 3 बाय 5 अंडर रूट 1 माइनस 5 बाय 13 का स्क्वायर क्लियर हुआ सबको हाँ जी सुकुमन क्लियर नाउ यस मैम यस मैम ओके जी ओके बेटा चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए साइन इनवर्स 5 बाय 13 अब इसको सॉल्व कीजिए कैसे करोगे 25 तो 25 माइनस 9 प्लस 3 बाय 5 अंडर रूट 13 स्क्वायर यानी 169 लगा के सीधे तो 169 माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज साइन इनवर्स मेरे पास 5 बाय 13 बेटा 16 16 का रूट 4 होता है और 25 25 का रूट 5 होता है 3 बाय 5 यहाँ आएगा 144 144 किसका होता है 12 का नीचे 13 कोई जरूरत नहीं है कटिंग करने की मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कटिंग सिर्फ यहाँ हो रही है यहाँ कोई नहीं हो रही ना तो हमें आंसर में 65 ही चाहिए तो मैंने सीधा ही एलसीएम भी ले लिया 65 ओके अब मैंने 65 एलसीएम लिया और ये 20 प्लस ये 36 कितना हो जाएगा 56 और मैंने ऊपर 56 ओके जी क्लियर बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को चले बेटा आगे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूलेज बेटा, कॉस इनवर्स वाले, साइन इनवर्स वाला, टैन इनवर्स वाला, इसके बिना तो बेटा क्वेश्चन होगा ही नहीं. ओके, तो लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो मेरे पास हो गए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. अब आप लोग मुझे बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है. प्रूफ दैट tan inverse 63/16 is equal to sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5 is equal to sin inverse 63/65. हाँ जी, समयंक आप बता सकती हो कैसे करेंगे इसको. समयंक अनम्यूट योरसेल्फ. ओके काक्षी, ओके समय, हाँ जी समय बताइए. ओके समयंक को नहीं आता. काक्षी काक्षी शर्मा, चंदन, प्रभु ने बिल्कुल करेक्ट बताया कि बेटा साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को हम टैन में कन्वर्ट कर दे, टैन इनवर्स में फिर फॉर्मूला लगा दे तो आंसर ये आ जाएगा. ठीक है, जब ये आ गया टैन इनवर्स का तो उसको सीधा साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके ये प्रूफ कर सकते. ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो है क्या करें हम लोग, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें. कन्वर्ट करने पे बेटा साइन इनवर्स 5/13 को हम थीटा कर देंगे और कॉस इनवर्स 3/5 को हम 5/5 लेट कर दें. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दें. अच्छा आपकी मर्जी है, आप चाहे सीधा, आपने इसको नहीं कन्वर्ट करना, आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो और पहले साइन इनवर्स का ले लो तब भी करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं है तब भी. ओके जी, तो मुझे लगता है हम बेटर है पहले साइन में करें क्योंकि एक ही कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ये वाला सिर्फ. ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं लेते, तो हमने इसको लेट किया 5, तो कॉस 5 जो है वो 3/5 ले लेते हैं और मेरे पास हो गई ये ट्रायंगल बनाई, 5 इधर लिया, कॉस होता है b/h यानी बी आपके पास हो गया 3, एच हो गया 5, 25 माइनस 3 9 जो है 16 और ये आ गया 4. ये तो आपको 10th क्लास के मेथड से कैलकुलेट करनी आती है ना बेटा. तो अब मुझे किस में चेंज करना है, साइन इनवर्स में, तो साइन 5 कैलकुलेट करूंगी वो होता है p/h, p इज 4, h इज 5, तो 5 की वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स 4/5 आ गई. यानी इन प्लेस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 आई कैन पुट साइन इनवर्स 4/5. ओके, तो अब बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, इफ आई सी हियर, तो व्हाट आई विल गेट हियर, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5. अब मुझे बता सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है. चलिए सुकुमार अब आप बताइए, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, सुकमन अनम्यूट कीजिए और फॉर्मूला बताइए बेटा मुझे. सुकमन जो बेटा, सुकमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. सुकमन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा जी. ओके लक्षित शर्मा. यस मैम. मैम साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ठीक है,
तो आप बेटा इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई, वाई कितना 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर प्लस मेरे पास तो ये क्या यहाँ पर लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे मेरे पास वाई, वाई इज 4/5 अंडर रूट वन माइनस 5/13 स्क्वायर। अब बेटा साइन इनवर्स 5/13 एलसीएम लीजिए 25 माइनस 16 9 आएगा, तो बेटा उसका 3/5 आएगा। कैलकुलेशंस आपकी स्पीड पे डिपेंड करती हैं, ओके। तो मेरे पास देखिए 169 माइनस 25 144, मुझे पता है वो 12 का स्क्वायर। दिस इज साइन इनवर्स देखो 65 और ये 15 + 48, तो मेरे पास साइन इनवर्स 63/65। लेट मी शो यू, ये अब एक में आ गया ना, अब मुझे इसको किसमें चेंज करना है, टैन इनवर्स में, तो वो तो कर ही सकते हो आप। आपके पास साइन है, साइन मतलब पी बाय एच है, पी इज 63 और एच इज 65, ये कैलकुलेट कर लीजिए मेरे पास। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 16 आएगा, तो क्लियर कट। फिर आप लिखोगे दिस इज साइन इनवर्स, ये चीजें शो जरूर करनी है बेटा, मैं क्लियर कट कह दूं, इसके बिना नंबर कटेंगे। तो 63 p/2 यही प्रूफ करना, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन बेटा? चले आगे। तो मेरे पास जो है बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, वैसे ही सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने चाहिए बेटा, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला, कोई है ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, बट एज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फॉर्मूलाज तो इसीलिए क्वेश्चन भी नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में ये आया हुआ, प्रूफ दैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 मेरे पास हो गए, प्लस मेरे पास हो गए नेक्स्ट हो गए दैट इज tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। हाँ जी, अब कोई बता सकता है कि इसमें क्या कर सकते हैं? थिंक ओवर इट एंड टेल मी। रसिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, रसिका अनम्यूट योरसेल्फ। काक्षी, सुकमन, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने आंसर्स देने होते हैं, लक्षित, प्रभु और फतेह, बाकी सबने बेटा पढ़ना ही है बेटा सबने। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पर क्लियर कट है मेरे पास, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स ये भी है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, हम क्या करें? एनीबॉडी फ्रॉम यू, एनीबॉडी फ्रॉम लगा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का दोनों सही, बिल्कुल जी 100%। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं। हाँ जी सुकमन, फॉर्मूला बताओ मेरा बेटा, क्या लगेगा? tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Very good, very good. This is the spirit I want from you. ठीक है बेटा? x plus y over 1 minus x into y. Same बेटा, हम यहाँ पर apply करेंगे. तो tan inverse 1/3 plus 1/8 over 1 minus 1/3 into 1/8.
अब इनका आंसर आएगा मेरे पास सॉल्व करके, ठीक है, फिर दोबारा टैन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू नीड टू कम। ओके बेटा क्लियर से, क्योंकि आंसर में पाई बाय फोर चाहिए ना, इसके आंसर को प्रूफ करना है पाई बाय फोर, तो मुझे 100% पता है कि आंसर टैन इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है, तो तभी आंसर पाई बाय फोर। ओके क्लियर हो जाएगा ना क्वेश्चन, ये किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी जो है क्वेश्चन आया हुआ। ओके तो मेरे पास तो है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए tan इनवर्स रूट एक्स को मुझे प्रूफ करना है 1/2 cos इनवर्स जो है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मैंने आगे भी आपको बताया था जब भी प्रूफ करने का आए, ठीक है, तो जो एक चीज साइड पे दी होती है ना उसको लेट कर, अपने आप दूसरा वो बन जाएगा, तो हम लेफ्ट करते हैं 99% ऐसे ही होता है, हम इसको थीटा लेफ्ट करते हैं, तो रूट एक्स को टैन थीटा, रूट एक्स को टैन थीटा मतलब एक्स को टैन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो क्लियर कट अगर मैं आरएचएस देखूं तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिख दूं, टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके 1/2 कॉस इनवर्स मेरे पास, अब ये किसका फॉर्मूला होता है बता सकते हो, एनीबॉडी फ्रॉम यू, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, बिल्कुल जी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एंड कॉस विल कैंसिल, यू लेफ्ट विद 1/2 इनटू 2 थीटा कैंसिल, और थीटा कितना हो गया हमने लेट किया हुआ था, दैट इज टैन इनवर्स रूट एक्स दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके बेटा चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 10th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चन में यूज होता है, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10th। ओके क्वेश्चन नंबर 10th में मेरे पास प्रूफ दैट जो है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स मेरे पास हो गए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर मेरे पास हो गए यहां पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, मुझे प्रूफ करना है कि ये पाई बाय 2 के इक्वल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात x belongs to यहाँ पर 0 to pi by 4। अब देखिए अगर मैं स्टार्ट करती हूँ cot इनवर्स ये सारा मेरे पास क्वांटिटीज है, अब मैं एक टर्म को लेके ऐसा करती हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होती है, लेट अस कंसिडर दिस ओनली, ठीक है, कंसिडर ओनली दिस पार्ट। अब इसमें बेटा मैं 1 की जगह पे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस स्क्वायर भी, और साइन की जगह पे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते, ठीक है। अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा मेरे पास जो है cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप sin को आगे लिख लो या cos को आगे लिख लो, तो आंसर मेरा cos x by 2 plus sin x by 2, बट जैसे अगले में यहाँ माइनस है यानी यहाँ माइनस आ गया, यहां माइनस, अब मैं किसको आगे लिखूं,
cos को पहले लिखूं को sin को पहले लिखूं? उसके लिए बेटा ये इंटरवल दिया हुआ है। मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था, अगर मैं साइन जीरो से देखूं, ये साइन जीरो, ये पाई बाय टू होता है, और कॉस जीरो वन होता है, ये पाई बाय फोर होता है। यहाँ पर जीरो से लेकर पाई बाय फोर तक क्या है, कॉस बड़ा है। जीरो से लेकर पाई बाय फोर तक कॉस की कर्व बड़ी होती है, पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय टू तक साइन की कर्व बड़ी होती है। यानी अगर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय फोर होती है तो कॉस पहले आना, बट अगर x belongs to pi by 4 to pi by 2 दिया बेटा, तो क्या पहले आना है, साइन पहले आना है। पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां पर पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव पड़ेगा। तो यहां अपने आप यहां नेगेटिव है। ये बात सबको क्लियर आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अगर ये कुछ नहीं दिया होता तो तब तुम जैसे मर्जी दे, तब आपको मतलब बेसिकली दो केस लेने चाहिए कि जीरो टू पाई बाय फोर का ये केस होगा, अगर पाई बाय फोर टू नाइनटी का ये केस होगा। यहां तक बेटा कुछ पूछना चाहती तो प्लीज आस्क मी, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? ओके ठीक है। तो अब मैं इसकी जगह पे प्लस वाला और इसकी जगह पे ये वाला, ठीक है, मैं ये लिखूंगी। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बेटा क्वांटिटी बन गई, व्हाट इज हियर कॉट इनवर्स, मेरे पास जो है यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ऐसे ही नीचे सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना बेटा, ठीक है जी। तो हम लोग मंडे को प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।